नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में सुप्रीम कमेटी ने कोविड-19 को देखते हुए रमजान के महीनों के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। देखिए, पिछले दोनों साल हम कोविड-19 के प्रतिबंधों में रमजान के महीने को सेलिब्रेट किए हैं, लेकिन ये तीसरा साल है जब इतने ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगे हैं। सल्तनत में कोविड-19 को लेकर के सुप्रीम कमेटी ने एक बैठक की है और इस बैठक में एक घोषणा हुई है कि मस्जिदों में जो तरावी की नमाज अदा की जाएगी उसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। साथ में जो व्यक्ति कोविड-19 का कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं कराया हो वो भी मस्जिदों में नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। साथ में जो इफ्तार पार्टी है, रोज़ा पार्टी होती है जिसमें शाम को बैठकर के सभी लोग इकट्ठे अपने व्रत को तोड़ते हैं, इस पार्टी के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, सभी प्रकार की जो हॉल है, जो सार्वजनिक जगह है, प्रदर्शनियाँ हैं, वहाँ पर 70% से अधिक क्षमता के लोगों को आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कमेटी स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जिस तरह से कोविड-19 की चौथी लहर अन्य देशों में आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए इन सभी दिशा निर्देशों को पालन करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, ओमान में यदि हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे तो आने वाले समय में कोविड के प्रति जो और ज़्यादा प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता सुप्रीम कमेटी को हो जाएगी, तो इससे अच्छा ये है कि हम अभी से जो भी एहतियात उपाय उसकी सूचना मिली है हमको, उसको पूरी तरीके से हमको फॉलो करना है। ओमान में जिस तरह से कोविड-19 के बाद से सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है डेंगू और येलो फीवर, और इसके जो वजह है वो है एडीज मच्छर के काटने से ये सब भयानक बीमारियां हो रही हैं, और एडीज मच्छर दिन के समय ही काटता है। ओमान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसके लिए भी कुछ एहतियात उपायों की घोषणा की है कि आपके घर में यदि पानी की टंकी है तो उसको ढक कर रखें, 5 दिनों से ज़्यादा जो पानी है उसको घर में स्टोर ना करें, 5 दिनों के अंदर ही उसको चेंज कर दें। साथ में जो आपका शरीर है उसमें लंबी बाजू वाले कपड़ों पहने, जो आस्तीन फुल आती है उसको पहने, ताकि आपके शरीर का ज़्यादातर हिस्सा वो ढका हो और मच्छर वहाँ तक ना पहुँच पाए। और यदि आप घर में मॉर्टीन या फिर कॉयल का इस्तेमाल करते हैं या फिर मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, और आस पास घर के पास जो आपकी गंदगी है उसको जल्द से जल्द उसकी सफाई कराने के लिए व्यवस्था करें, और हो सके तो वहाँ पर अगर छिड़काव हो रहा है तो उस छिड़काव को भी करा लें। इन सब चीज़ों से आप कोविड-19 के बाद जो दूसरी सबसे घातक बीमारी है वो है डेंगू और येलो फीवर से बच सकते हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए कहा है कि मुसंदम गवर्नमेंट से एक स्वास्थ्य स्थिति से गंभीर रूप से पीड़ित एक नागरिक को एयरलिफ्ट करके उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये जो महिला नागरिक की, इसको बहुत ही आवश्यक रूप से स्वास्थ्य चिकित्सा की आवश्यकता थी और इससे घर से जो दूर है वो हॉस्पिटल स्थित था, लेकिन रॉयल एयरफोर्स की जो टीमें हैं यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर की मदद से इनको रेस्क्यू किया है और इनको एयरलिफ्ट करके जरूरी चिकित्सा केंद्रों में एडमिट कर दिया गया है, जहां पे इनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। देखिए, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इस रमजान के महीने को एक बार फिर से हमें पूरी तरीके से इबादत करनी है, ऊपर वाले से प्रार्थना करनी है कि हम सभी के जीवन में खुशी और स्वास्थ्य और समृद्धि आए, और देखिए रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए कोविड-19 के सभी एहतियात उपायों को हमें फॉलो करना है। जो भी सुप्रीम कमेटी का आदेश है उसको मानते हुए सभी प्रकार के हमें रीति रिवाज को निभाना है, ताकि कोविड-19 एक बार फिर से अपनी जकड़ में ओमान को ना ले ले। एक स्वस्थ समाज के लिए हम सबकी भागीदारी बहुत ही आवश्यक है, खास करके ऐसे समय में जब एक महामारी से हम उबर रहे हों। देखिए, भारत ने अपने सभी प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगाया था पिछले 2 सालों से, इस प्रतिबंध को अब 27 मार्च से हटा दिया गया है, और इंडिगो की जो पहली उड़ान है रविवार को सुबह 10:30 बजे कन्नूर से मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई, और जब मस्कट पहुंची है तो बहुत सारे प्रवासी जो कि इस समय ओमान से छुट्टियों पर आना चाहते हैं, क्योंकि कोविड-19 के वजह से जो किराए हैं, जो फ्लाइटों के टिकटों के दाम हैं, वो लगातार आसमान छू रहे हैं, और इसको देख करके बहुत सारे लोग जो हॉलीडे पे नहीं आ रहे थे और अब उनके मन में एक उम्मीद की किरण जगी है, एक विश्वास जगा है कि अब हम कम पैसे में ही अपने देश छुट्टियों में आ सकते हैं और वापस ओमान लौट सकते हैं अपने काम पर, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड-19 ने प्रवासियों की कमर तोड़ दी है।
बहुत सारे कामगारों का जो जॉब है वो छूट गया है क्योंकि कंपनियां उनको नहीं रख पा रही थी। लेकिन अब इस समय हालत ये है कि जिस तरह से ओमान के श्रम मंत्रालय ने अनाउंसमेंट किया है कि प्रवासियों के वर्क परमिट पर जो शुल्क है उसमें 90% की छूट मिली है, तो बहुत सारी वैकेंसियां खासकर ओमान के लिए ओमानी कंपनियों ने निकाल रखा है। वे चाहती हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में जो प्रवासी हैं वो ओमान आए, जॉब करें और ओमान में जो लंबित प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को डिले हो रहा है, उन प्रोजेक्ट को समय पे कंप्लीट करें। देखिए, 3 अप्रैल से नवरात्रों की भी शुरुआत हो रही है और पवित्र रमजान का महीना भी शुरू हो रहा है, और ऐसे में यदि आप बाउसर सेंट्रल ब्लड बैंक में अपने रक्तदान को अर्पित करें, अपने ब्लड को डोनेट करें, तो बहुत ही ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर 69 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं और किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। ओमान में मरने वालों की कुल संख्या 4,250 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो 82 नए मामले जो हैं वो ठीक हुए हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।